वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी बिहार का गौरव। यहां प्रकृति की अद्भुत छटा है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ कल कल करती गंडक नदी, घने जंगल की हरियाली और उसमें स्वच्छंद विचरण करते जंगली जानवर। यह बिहार का कश्मीर है। आइए आप भी वीटीआर की सैर कर लीजिए। अब हम आपको लिए चल रहे हैं टाइगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में। वहाँ पर हम जंगलों की सैर करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर जानवर रहते हैं, मिलते हैं, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ से आते हैं। काफ़ी तरह के बर्ड्स भी होते हैं, चिड़ियाँ होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज हम आपको ये जंगल की सैर दिखाएंगे और आपको अनेकों तरह की जानवर से कोशिश करेंगे कि जानवरों से आपको रूबरू कराएं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 86 वृक्ष प्रजातियां, 51 पौधे और झुरमुट की प्रजातियां, 17 लता बेल की प्रजातियां, 22 घास की प्रजातियां, बेत की एक खास प्रजाति पाई जाती है। यहाँ सघन वन, घास के मैदान, उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियां, संकरे और गहरे नाले हैं। भारतीय जंतु सर्वेक्षण संगठन के मुताबिक यहां 53 प्रकार के स्तनधारी, 26 सरीसृप, 7 एम्फेवियन और 145 पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। यहां बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सिविट मुख्य जानवर हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ, चीतल, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, हॉग डियर और गौर भी रहते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व करीब 900 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। नेपाल की सीमा से सटे और पश्चिमी चंपारण में स्थित इस खूबसूरत अभ्यारण्य की बेतिया से दूरी करीब 100 किलोमीटर की। टूरिस्टों के लिए यहां जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, रिवर व्यू टावर और कौलेश्वर झूला समेत रहने के लिए बंबू हट, ट्री हट, इको हट का शानदार इंतजाम है। इको पार्क, गंडक नदी के किनारे पाथवे, मेडिटेशन सेंटर भी। हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आए हैं आप, क्या लग रहा है, पूरा विकसित लग रहा है? देखिए, पिछले 10-12 वर्षों तक जो लगातार प्रयास किया गया है उसका परिणाम है कि टाइगर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अंतिम सेंसस हुआ उसके अनुसार लगभग 31 टाइगर यहाँ पर हैं और 10 उसके बच्चे भी हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और यहाँ पर सांभर, चीतल, चीतल, हरिण, अन्य और भी बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखकर अनेक तरह की सुविधाओं को विकसित किया है ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आए उनके लिए इको पार्क, बहुत बेहतरीन इको पार्क विकसित किया गया है। गंडक के किनारे किनारे लगभग 1 किलोमीटर का पाथवे है पैदल चलने का। उसी प्रकार यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था की गई है। एक कौलेश्वर झूला है करीब 200 मीटर लंबा, जैसे वो हरिद्वार के अंदर या ऋषिकेश के अंदर लक्ष्मण झूला है। हैंगिंग ब्रिज है, यहाँ 3 मंदिर हैं और जो मंदिर परंपरागत तरीके से लोग वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरह की अनेक चीज़ें यहाँ पर हैं
जहाँ पर लोग आकर आनंद उठा सकते हैं। और देखिए हिंदुस्तान में ये अकेली जगह है जहाँ पहाड़ भी है, नदी भी है और जंगल भी है। ऐसा बहुत कम स्थान है देश के अंदर जब तीनों चीज़ें एक जगह पर हों। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक बगल में नेपाल है, गंडक नदी, और ये वही जगह है जहाँ पर पंडित नेहरू और किंग महेंद्र ये आए थे गंडक बराज का उद्घाटन करने के लिए। और एक ज़माने में इस जगह का नाम भैंसा लुटन था। पुराने लोगों को याद है कि इस जगह को भैंसा लुटन के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल गया, लेकिन उस समय में ये भैंसा लुटन के नाम से प्रचलित था। तो गंडक नदी है, नारायणी है, जो नेपाल का हिस्सा है। तो एक बेहतरीन इको टूरिज्म के स्थल के रूप में हम लोगों ने इसको विकसित करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी कि लगातार पर्यटकों की संख्या जो है और यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की सैर पर। सुबह 6 बजे हमारा काफिला जंगल में निकला। हमारे कैमरामैन तस्वीरों को कैद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। थोड़ी देर चलने पर झाड़ियों में छिपे हिरण दिखाई दिए। सूर्योदय हो चुका था। जंगल की खूबसूरती मन मोह रही थी। जंगल में हमें पेड़ पर बंधे कैमरे दिखाई दिए। ये कैमरे जानवरों पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। देखिए जंगल में कैमरे लगाए गए हैं। इस कैमरे का मतलब ये होता है कि जो भी जानवर यहाँ पर आते हैं उनके बारे में पता चलता है। जैसे बाघ अगर यहाँ से गुजरती है या गुजरता है तो पता चलता है कि कितने बाघ हैं और उसी से काउंट होता है। यही है इस कैमरे से, इसी से पता लगाते हैं हम लोग। इसे कैमरा ट्रैप कहते हैं। बाघों का जब सेंसस किया जाता है तो उस समय इस कैमरे को लगाया जाता है। इसके सामने से गुजरने वाली कोई भी प्राणी, चाहे वो बाघ हो चाहे कोई अन्य जानवर हो, उसका चित्र ये कैमरा ले लेता है। और फिर उसके बाद इसका हम मेमोरी स्टिक निकाल कर उन हम चित्रों को देखते हैं और मिलान करते हैं कि कितने बाघ हमारे जंगलों में हैं। और भी जानवरों के पता चलता है, कोई भी जानवर या किसी भी तरह के जानवर या आदमी कोई भी जाए तो इस सेंसर पता चल जाता है कि कितने होते हैं। जी हाँ, तो कोई भी ऐसे जानवर, कई ऐसे जानवर भी हैं जो कि हम लोगों को जानकारी नहीं भी है, लेकिन इसके माध्यम से ये हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ ये जानवर भी है। तो इससे नए जानवरों की खोज को भी बल मिलता है। तो जैसा कि प्रभात कुमार जो चीफ वाइल्ड ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि इस कैमरे का क्यों लगाया जाता है। फिर आगे और चलेंगे, देखेंगे कि क्या है, क्या किस तरह की यहाँ इंतजाम है, देखते हैं कि कोई जानवर हम लोगों को मिलता है या नहीं। यहाँ से आगे बढ़ने पर जंगल में विचरण करते मोर और हिरण दिख गए। कुछ और आगे बढ़ने पर गौर को आकर्षित करने वाला ग्रासलैंड दिखा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको खास तरह से डेवलप किया गया है। ग्रासलैंड इसको कहा जाता है। ये खास तरह से डेवलप किया गया है। सर इसको क्यों आप लोग इस डेवलप करते हैं? ये जो ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड को डेवलप करने का मुख्य कारण ये है कि जो हमारे शाकाहारी जानवर हैं वो यहाँ आए। और एक मिनट रुको, और इस ग्रासलैंड के लिए जो आप देख रहे हैं जिस तरह की घासें हैं, ये घास गौर को बहुत आकर्षित करती है। यही कारण है कि अब हमारे ग्रासलैंड डेवलपमेंट की वजह से गौर यहाँ आके परमानेंट रेजिडेंट हो गया है, जो पहले लौट जाता था। आप उधर अगर देखेंगे तो वो देखिए जो पानी का आप वो इलाका देख रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल वाटर होल बनाया गया है। ये कृत्रिम वाटर होल है जिसमें इस हाइट पर पानी नहीं रहता, बह के नीचे चला जाता है। लेकिन गौर यहाँ आए खाने के लिए, उसके लिए ये बनाया गया है। लगभग 2000 लीटर पानी इसमें आता है। लगभग 2000। ये जो गौर है आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में सिर्फ गौर ज्यादा यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए या फिर अपने खाने के लिए? गौर पानी पीने आते हैं और इसी ग्रासलैंड में चरते भी हैं, और हिरण भी यहाँ पर आते हैं छोटी घास को खाने के लिए। तो इस पर्पस के लिए ये ग्रासलैंड डेवलप किया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 हेक्टेयर। यहाँ से आगे बढ़ते ही साफ पानी के नाले के पास जानवरों के पैरों के निशान मिले। हमने ये जानने की कोशिश की कि ये किस जानवर के पैरों के निशान है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बीच जंगल में है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नाला में पानी बह रहा है, और इस पानी को जानवर आते हैं पीने के लिए, बाघ आते हैं। जंगल में जितने भी प्रजाति के जानवर हैं वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, और यहाँ से
पानी पीते हैं और हम देखेंगे कुछ निशान मुझे दिखाई दिए हैं, तो हम जरा जाएंगे और निशान देखेंगे कि क्या है। ये आप देखिए, ये जो निशान है ये यहाँ पर जो है जानवर वो यहाँ पर आए हुए थे लग रहा है। और जो मेरे साथ प्रभात कुमार हैं, चीफ वाइल्ड वार्नर वार्डनर, उनसे हम बात करेंगे कि सर ये जो आप देख रहे हैं निशान, ये किसके हैं सर? ये बताइए। ये निशान गौर के हैं, जिन्हें हम इंडियन बाइसन कहते थे, बाइसन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो ये गौर झुंड में रहता है और जो आप ये देख रहे हैं पूरा ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड में चरने आते हैं ये। और जो ये पानी आपने अभी बहता हुआ देखा यहाँ पे, यही इनके पीने का स्रोत है, वाटर होल है, और पी के अपना आगे जंगल में ये डिस्पर्स करते हैं। तो उसी दौरान ये गए हैं यहाँ से, और ये इनके झुंड के निशान है। ये देखिए, ये इसमें झुंड में मेल भी है, मादाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। आपको हर साइज के इसमें खुर दिख जाएंगे। देखिए, तो जैसे ये बता रहे हैं कि हर साइज के जो आपको निशान है वो मिल जाए, नर मादा या फिर जो बच्चे हैं उनके, उनके जो गौर हैं उनके निशान यहाँ पर झुंड में आते हैं। तो ये निशान आप देख सकते हैं। और भी हम आगे चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह इस टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, इसमें किस तरह के जानवर आते हैं। हम बात भी करेंगे और एक्सप्लेन करके आपको पूरा बताएंगे। यहां से हमारा काफिला आगे बढ़ा महर्षि वाल्मीकि आश्रम की तरफ। घने जंगल के बीच स्थित इस आश्रम की शांति चित्त को सुकून दे रही थी। मान्यता है कि यहां माता सीता के आह्वान पर धरती फटी और मां उसमें समाकर पाताल लोक चली गई। यहीं हनुमान जी ने माता से प्रार्थना की थी कि वो ना जाए। यहीं पेड़ के नीचे महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते थे। यहीं लवकुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। लगभग 17.5 लाख पूर्व की इतिहास है। तीर्थायुगीन सीता जी को जब बंदवास हुआ था धोबी के लंचना लाने पर, तो यहीं पर आके वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रही। अब थोड़ा स्पीड, लवकुश का जन्म यहीं हुआ, राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यहीं पकड़ा गया था, पीछे राम भगवान भी आए सीता जी को पहचाने के लिए कहे, सीता जी फिर वापस नहीं गई, धरती में समावेश हो गई। यही धरती में समा जी, यही धरती जो है। और वाल्मीकि जी ने रामायण यहीं लिखे थे, उनको सप्तऋषि नारद द्वारा ब्रह्म ज्ञान यहीं प्राप्ति था। रामायण जो वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं, इनका लिखा गया है। लवकुश का जन्मस्थल यही है, सीता पाताल प्रवेश भी यही है। शिक्षा लय यहाँ पर 88,000 ऋषि लोग तपस्या करते थे। बहुत इतना प्राचीन इतिहास शायद कहीं मिलना मुश्किल है, एक अमरनाथ छोड़कर। अमरनाथ तो प्राकृत है, ऐसा ही ये भी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ का सरकार की कमी कमजोरी कहे या जनता को कमी कमजोरी कहे, ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ, ये पूरा डेवलप नहीं हो पाया जी। अभी तक हमने एक बार अनुरोध भी किया था भारत सरकार को, नेपाल सरकार, दोनों मिलकर अगर वाल्मीकि आश्रम का जो है अस्तित्व जो है जगा रहे, बना रहे। राम देखिए, आज कितने वर्षों के विवाद के बाद में सफल हुआ राम मंदिर अयोध्या का, उसी से जुड़ा हुआ ये अंग है, तो ये अपंग क्यों? सीतामढ़ी, जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या, सेतुबंधन, रामेश्वरम, ये तो हमारे धर्म के ताज है। मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं। ये बजरंगबली हैं, इनका भी कुछ कहानी जी, है जी, इसका कहानी है जी। बहुत गहरी कहानी है। जब माता जी सीता पाताल जाने लगी तो उन्होंने ये नम्र निवेदन किया, आत्मनिवेदन, ये विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। इस मुद्रा में शायद दुनिया में कहीं नहीं देखिएगा हनुमान जी को, जो अपने वो क्या कहते हैं गदा और पहाड़ तो हर समय लिए रहते हैं, कोई भजन में भी फूल पकड़े होते हैं या खटखोड़ कुछ बजे, यहाँ कुछ नहीं है, आत्मसमर्पित। उन्होंने कहा माता जी मत जाइए, अगर जाना हो तो हमें भी ले चलते। सीता जी ने कही यहाँ तो हम सशरीर नहीं जाया जा सकता, हम जहाँ जा रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ अवशेष रह जाएगा, शरीर तो तुमको आशीर्वाद दिया है, तुमको यहीं रहना है। तो वो माता जी इतना अवशेष जो है अभी भी देखने को मिलता है, उन्हीं को देख कर ही अपना तपस्या में रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा शेखर सुवेदी। शेखर सुवेदी जी। तो आपने ये देखा कि बजरंगबली कली सीता जी की मंदिर है,
यहीं पर सीता जी समाई थी जैसा कि कहानी कहा जा रहा है, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया गया है इस बारे में, इसको ध्यान नहीं दिया गया है ताकि ये डेवलप हो, ये इसका विकसित हो सके। चाहे अब हम निकले जटाशंकर मंदिर की तरफ। जंगल के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में त्रेता युग में भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ माता सीता पूजा करने आती थी, महर्षि वाल्मीकि भी यहीं पर आते थे। ये जटाशंकर मंदिर है, कहा जाता है कि त्रेता के युग में यहाँ भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ के पुजारी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए क्या इतिहास है, कब उत्पत्ति हुई थी, क्या हुआ था? ये त्रेता युग में उत्पत्ति भइल वाले, त्रेता युग में उत्पत्ति भइल वाले, वहाँ 88,000 ऋषि लोग जो बा वाल्मीकि आश्रम में लोग जो बा जग कई लोग उन्हीं लोग के द्वारा जो बाटे बाबा भोलेनाथ यहाँ उत्पत्ति भइल वाले। पुष्टि पुष्टि कहा जाता है कि यहाँ सीता माँ आती थी पूजा करने के लिए। यहाँ क्या कहते हैं कि आपको वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि आते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए, पूजा करने के लिए, यहाँ पूजा करने के लिए आते जाते थे लोग और पूजा करके लौकुल खाड़ जो वहाँ 36 बया बैराज पुल जो है उसके नीचे जो है लौकुल घाट है, तो यहीं से क्या चाहे मंदिर जो बना है जासर हुआ, इसको पूजन करने लगे तो मंदिर को माता पार्वती जी को और बाबा भोलेनाथ के मंदिर को वही बनवाया। अच्छा, चलिए हमारे साथ इस मंदिर के प्रांगण में है विधायक विनय बिहारी। एक आपका जो कला है, एक बाबा बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ तो शिव जी की भजन बनती है। जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। भोला चाहली है, भोला चाहली है, दिन ता रात कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ उ अनाथ कैसे होई। हमने के मानी जा जटाशंकर महादेव जी के मंदिर में, बहुत पुरान मंदिर है, लेकिन जो न हिसाब से पर्यटक के बुलाओ के बा विकसित नहीं है, उस हिसाब से विकास नहीं के भेल, और एक एगो कमेटी भी बा, कमेटी के माध्यम से हर साल मेला लगेला, मेला में भी वन विभाग के चलते कुछ प्रॉब्लम आवला, पर प्रोग्राम भी ना हो पावला, वन विभाग के पदाधिकारी ना कर दिल लो, लेकिन हमारा जहाँ तक बुझा था कि अब जौन सरकार के ध्यान एक आयल हुआ, जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री सभी लोग के आगमन अब समय समय पर होखे लागल बा, हमारा बुझाता कि जल्द ही बाबा भोले के कृपा से कुछ चमत्कार हुई है जा। एक नचारी और। हे भोले बाबा तो है कांवर चढ़ेबो, हे भोले बाबा तो है कांवर चढ़ेबो, कांवर चढ़ेबो बाबा कांवर चढ़ेबो, कांवर चढ़ेबो बाबा कांवर चढ़ेबो, हे भोले बाबा तो है कांवर चढ़ेबो, हे भोले बाबा तो है कांवर चढ़ेबो। जटाशंकर मंदिर के बाद हमारा काफिला आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमें बाघ के पैरों के निशान दिखे। थोड़ी ही देर पहले बाघ यहाँ से गुजरा था। देखिए ये जो निशान है वो टाइगर के हैं, जिसको कहा जाता है कि ये पूरे निशान यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ प्रभात जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर ये जो निशान है सुबह सुबह वो निशान है, ये कितना ताज़ा आपको लग रहा है? ये निशान अभी पिछले 20 से 30 मिनट के बीच के निशान लगते हैं, हाँ, क्योंकि इनकी उंगलियों को अगर आप देखें तो इसमें पूरी शार्पनेस है, ये जो किनारे ये सब शार्प है। अभी किनारों की मिट्टी जो है, अगर मैं इसको ऐसे पीटू थोड़ा तो मिट्टी झड़ के अंदर की ओर गिरने लगती है या इधर गिरने लगती है, तो अभी वो स्थिति नहीं आई है। अगर आप आगे वाला निशान ये
देखें तो उसकी आगे की नोक देख सकते हैं, उंगली की टिप कितनी शार्प अभी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में गया है, इसको अधिक से अधिक 20 से 30 मिनट हुए होंगे। अच्छा सर एक बात बताइए और कि कितने यहाँ पर ज्यादातर रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर ही पाए जाते हैं, कितने हैं यहाँ? ये जो हमारा पिछला सेंसस हुआ है ऑल इंडिया लेवल का सेंसस था, इसे कंडक्ट कराती है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसमें कुल टाइगर्स मेल और फीमेल मिला के 31 यहाँ पर पाए गए हैं और उसके साथ 10 शावकों का भी गिनती हुई है, लेकिन हम जो काउंट करते हैं एडल्ट को काउंट करते हैं तो 31 टाइगर यहाँ पर हमारे। और कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए हैं हमारे रिजर्व में इस समय, जो जिन्हें हम मेगा हर्बीवोर्स कहते हैं, जिसमें कि गैंडा, हाथी और गौर ये होते हैं, ये तीन जानवर होते हैं। तो गौर तो हमारे इस टाइगर रिजर्व में है ही, इसके अलावा अभी हमारे यहाँ चूँकि नेपाल से ये सटा हुआ है, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से वापस परसा से, तो वहाँ से हाथी भी हमारी ओर आए हुए हैं इस समय, और एक हम गैंडा जो है वो हमारे मदनपुर में गैंडा भी आवश्यक है। यहाँ से आगे बढ़ने पर तीन हाथी मिले जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने हाथियों को खाना भी खिलाया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बम्बू कॉटेज, ट्री कॉटेज के साथ ही पर्यटकों के रुकने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। साथ ही पर्यटकों को स्थानीय थारू और उराव जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिलता है। आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण 2800 रुपए में कर सकते हैं। 15 दिसंबर से इको टूरिज्म पैकेज की शुरुआत हो रही है। अगले साल मई तक हर शनिवार को पटना से सैलानियों को वहां लाया जाएगा। इस पैकेज में आने जाने से लेकर भोजन, ठहरने और घूमने की सुविधा भी शामिल है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए प्रधान सचिव वन विभाग दीपक कुमार। सर ये जो विकसित किया गया है, क्या आप सबसे पहले तो एक अपील करें लोगों से, आप यहाँ आइए, इतनी खूबसूरत जगह बिहार में है, दूर दूर जाते हैं बिहार के लोग, यहाँ आए, यहाँ बढ़ावा मिले पर्यटन को। जी वाल्मीकि नगर जो है, अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्यटकों के दृष्टिकोण से तो यहाँ इतनी अच्छी जगह है, क्योंकि एक तरफ जंगल है, यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है, बिहार का यह सबसे घना जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवरों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, न केवल बाघ बल्कि बाघ के अलावा भालू और अन्य तरह के जानवर, हिरन, कई तरह के सांभर, चीतल इत्यादि, इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर नदी का नज़ारा है गंडक, यहाँ पर की बोटिंग की भी सुविधा है, जंगल के अंदर सफारी की सुविधा है, एक पार्क बना हुआ है वाल्मीकि नगर में, और ये कौलेश्वर झूला जिस पर से जा सकते हैं, करीब 200 मीटर का झूला है। यहाँ धार्मिक महत्व के भी कई स्थल हैं, जैसे कि कौलेश्वर मंदिर हो गया, जटाशंकर मंदिर है, नरदेवी मंदिर है, और वाल्मीकि नगर के अलावा पर्यटक मंगुराहा और गोवर्धना भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से सफारी की सुविधा है। यहाँ से आगे हम कौलेश्वर झूला की तरफ बढ़े। ऋषिकेश की तरह यहाँ भी नदी के बीच में ये झूला बनाया गया है। ये काफी एडवेंचरस है, यहाँ आप केनोपी वॉक का मजा ले सकते हैं। कौलेश्वर झूला है, इसको ऋषिकेश में आपने देखा होगा लक्ष्मण झूला, उसी के तर्ज पर इसको विकसित किया गया है नदी के ऊपर, बगल में नदी भी है और इसको नदी के ऊपर विकसित किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, इसका क्या नाम है? एके पांडे, क्या करते हैं? PCCF बिहार। कैसे इसको जो विकसित किया गया उसके बारे में जरा बताएं सर। ये टूरिस्ट लोगों के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि विहार से कौलेश्वर मंदिर की दूरी जो है इस झूला के कारण से बहुत घट जाती है, और मात्र 200 मीटर में हम लोग पहुंच जाते हैं, इसलिए विकसित किया गया है। कौलेश्वर मंदिर जो है वो नज़दीक होता है इसे जाने के लिए, जो प्रसिद्ध है, ये टूरिस्ट स्पॉट से बहुत नज़दीक पड़ जाता है, इसलिए इसको विकसित किया गया है। तो काफ़ी टूरिस्ट के बीच में पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है, जो भी आता है यहाँ पर वो इस पर ज़रूर आता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये एक झूला भी बनाया गया है पर्यटक के लिए, ताकि कौलेश्वर जो मंदिर है उसको उसके पास जन नज़दीक से पहुंच सकें उसके पास। तो हमने आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को के बारे में सारे बातें बताई, दिखाया भी आपको। आपसे अनुरोध है, अपील है कि इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में ज़रूर आएँ और यहाँ के जो नज़ारा है, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो या फिर
बोटिंग हो या फिर त्रिवेणी का संगम हो, बहुत सारे मंदिर हैं, वाल्मीकि आश्रम नेपाल से सटे हैं वहाँ पर हैं, तो उस घूम सकते हैं आप, टहल सकते हैं वहाँ पर और पूरा लुफ्त उठा सकते हैं। तो नए साल में यहाँ आने का ज़रूर प्लान बनाएं, चूँकि ये एक बिहार का एक इकलौता टाइगर रिजर्व है। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर।